आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे आम की एक नई रेसिपी वीडियो, जिसे आप खा भी सकते हैं और शरबत की तरह पी भी सकते हैं। तो आंवियों को मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से और इनको छोल लेंगे। यहाँ पर मैं एक छिलर की मदद से इनको छोल रही हूँ और जो ये ऊपर का पार्ट है इस तरीके से काट देंगे चाकू की मदद से। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम है कच्चे आम लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनको छोल लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर खाएं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से काटना, ना ही मोटे टुकड़ों में और ना ही बारीक टुकड़ों में। आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से काट रही हूँ, हल्का हल्का ऊपर से, जैसे इसका पापड़ उतारते हैं सेम वैसे ही इसकी कट। तो इनको काट लेंगे इसी तरीके से। तो गुठली है जो इनका भी इस्तेमाल करेंगे, इनको फेंकेंगे नहीं। तो इनको भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं तीनों आंवियों को इसी तरीके से काट लूँगी और ये देखिए मैंने इसी तरीके से काट लिए हैं और इनको करेंगे साइड में काट कर। और वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, तभी आपको वीडियो है जो पसंद आएगा और बनाने में भी आसानी होगी अगर आप बना रहे हैं तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ लिया है और चीनी ली है। गुड़ होगा ये 20 ग्राम के आसपास और चीनी है ये छोटे साइज की कटोरी है, ये भी 20 से 25 ग्राम होगी। और यहाँ पर देखिए कटोरी में मसाले डाल रही हूँ, जो रोज़ की सब्ज़ी में डालते हैं वही मसाले, हल्दी पाउडर नमक स्वाद के हिसाब से और मिर्च पाउडर है जो, ये भी हल्का सा डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। हल्दी डाली है आधा टीस्पून, मिर्च है जो वो थोड़ा ही डाला मैंने, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। तो ये खट्टी मीठी तीखी तीनों ही चीज़ मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सौंफ लिया मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, इसमें कोई कोई दाना है जो साबुत धनिया का भी है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक खुला भगोना लिया है और इसमें डाला है मैंने एक छोटा चम्मच तेल, इसमें डाल देंगे सौंफ और ये कोई कोई मतलब दाना है जो इसमें धनिया का है वो डाल देंगे, जो हमने मसालों का घोल बनाकर रखा है, मसालों का घोल है जो डाल दिया मैंने। इसको एक मिनट के लिए इस तरीके से पका लेंगे ये देखिए। और अब डाल देंगे इसके अंदर गुड़ और ये चीनी, इसे भी करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी मैं इसके अंदर ताकि गुड़ है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी और डाला है मैंने, इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि गुड़ है अच्छे से घुल जाए। और ये देखिए 2 मिनट बाद है जो गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है और चीनी भी मेल्ट हो गई है इसके अंदर ये देखिए। और अब इसमें डाल देंगे जो हमने कच्ची आम भी काट कर रखी थी वो, देखिए एकदम शरबत के जैसे लग रहा है लेकिन ये तीखा भी है और खट्टा भी मीठा भी, तीनों ही चीज़ मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। और डाल दिए मैंने कच्ची आम भी, इसे भी करेंगे अच्छे से मिक्स। और पानी है जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने इसके अंदर डाले हैं पानी के 3 गिलास लगभग, क्योंकि मैं ये जो सब्जी है इसे थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखती हूँ। और इसे फुल फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। और 5 मिनट बाद है जो देखिए इस तरीके से ये खदकने लगा है। और अब इस गैस का फ्लेम है जो लो कर देंगे, लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। तो पानी मैंने इसमें ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे हैं जो खाते कम हैं पीते ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जब भी ये सब्ज़ी बनाती हूँ इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ। और अब गैस का फ्लेम है जो बंद कर देंगे। ये हमारी अच्छे से बनकर तैयार है सब्ज़ी।
तो आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप एक बार इस कच्चे आम की रेसिपी को ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।